नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1071 हुई, आज हुई 3 मौतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक संस्थाओं के योगदान को सराहा। भारतीय सेना ने आपातकाल की घोषणा वाले सोशल मीडिया मैसेज को बताया फर्जी। सहयोगी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना हुआ 43,484 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं पर चांदी 39,835 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ। खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में एक एक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 92 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 1071 हो गई है। इसमें 942 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि इस बीमारी से अब तक 102 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई की मुहिम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामाजिक कल्याण संस्थाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उनके योगदान को जमकर सराहा। इनसे बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ाई में जबरदस्त धैर्य, लचीलापन और साहस दिखा रहा है। महात्मा गांधी के इस कथन को दोहराया कि गरीबों की सेवा करना ही सच्ची राष्ट्रीय सेवा है। पीएम ने यह भी कहा कि देश अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और आज इन संगठनों की सेवाओं व उनके संसाधनों की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस संदेश को फर्जी और दुर्भावनापूर्ण बताया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल के मध्य में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। साथ ही उन खबरों को भी गलत बताया है कि नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय सेना दिग्गजों, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना को तैनात किया जाएगा। सेना ने कहा, यह स्पष्ट है कि ये खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक सहयोगी भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वह क्वारंटीन में चले गए हैं। नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दी है। इसराइल में कोरोना वायरस के अब तक 4,347 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण से 134 लोग ठीक भी हुए हैं। संक्रमण और ज्यादा नहीं फैले इसके लिए पूरे इसराइल में लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को भी केवल जरूरी सामानों को लाने के लिए घरों से महज 100 मीटर दूर जाने की इजाजत दी गई है। बाजार में सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर सोमवार को 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 0.14% की गिरावट के साथ 43,484 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोने और चांदी दोनों के ही वैश्विक हाजिर भाव में गिरावट देखी गई है। सोमवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर 5 मई 2020 की चांदी का वायदा भाव सोमवार को 3% की गिरावट के साथ 39,835 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुआ बंद। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।